हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। तो आज हम टॉपिक करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जो राकेश सर यादव क्लास नोट्स में दिए हुए हैं। हम जो क्वेश्चन इसमें नंबर होंगे वो सीरियल वाइज होंगे, जो कि नोट्स में मिलते हैं हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजीली हो जाएंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट ना समझ आए तो फिर से इस बार मतलब इस पोर्शन को आप देखिएगा। तो हमारे पास 1000 रुपीज़ हैं, ओके। तो अगर हम इसे सिंपल इंटरेस्ट पे देते हैं 3 साल के लिए 10% इंटरेस्ट के लिए, तो क्या होगा, 1000 रुपये का 10% 100 रुपीज़ फर्स्ट ईयर में मिला। सेकंड ईयर में कितना मिलेगा, 10% 100 रुपीज़। थर्ड ईयर में भी 100 रुपीज़, तो टोटल हो जाएगा 300 रुपये। इसे कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में ये डिफरेंस होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। कहते हैं ना वो चक्रवात बोलते हैं कुछ लोग हिंदी में। तो इसमें क्या होता है, 1000 पे हमें 10% मिला 100 रुपीज़ फर्स्ट ईयर में। अब जब सेकंड ईयर आया तो इस 1000 पे भी हमें मिलेगा 10%, और जो 100 रुपये हमें एक साल फर्स्ट ईयर ख़त्म होने पे मिला था उस पे भी 10% मिलेगा। तो सेकंड ईयर में कितना मिला हमें, 110 रुपये। ऐसे थर्ड ईयर में जाएंगे तो 100 रुपीज़ मिलेंगे जो हमारा प्रिंसिपल था उसका 10%, जो हमें सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर में 100 100 मिले उसका भी 10%। ये यहाँ से 10 आया, ये यहाँ से 10 आया, और जो 10 रुपीज़ हमें इसके 10% मिला था तो ये सेकंड ईयर में 10 रुपीज़ मिल गए थे, तो इसका फिर से 10% और मिलेगा, तो हो गया 1 रुपीज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें जो सिंपल इंटरेस्ट से एक्स्ट्रा मिला वो मिला 10 + 10 + 10 + 1, मतलब ये 31 हमें और एक्स्ट्रा मिला। तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन बस इसके अकॉर्डिंग ही होंगे। जैसे क्वेश्चन में गिवन होगा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तो हम सिर्फ इसे कैलकुलेट करेंगे। हमसे पूछेंगे टोटल अमाउंट, तो इस हम पूरे को कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल प्लस जितना हमें इंटरेस्ट मिला। हाँ, अब आप एक बार इस अगर आपको समझ आया तो वेल एंड गुड, वरना आप इस वीडियो को फिर दोबारा देख लीजिए, वरना हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो ही जाएगा। ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें अमाउंट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल यहाँ रखना है, ब्रैकेट में 1 + r रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें होगा 10%, n है नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट कंपाउंडेड, मतलब इसमें तो हर साल इंटरेस्ट लग रहा है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1, और ये t हो गया टाइम पीरियड जो कि यहाँ पे 3 ईयर्स। वैसे हम इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे, बट मैं आपको तभी बता देता हूँ इस फॉर्मूले के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, P हमें निकालना है, X टाइम दिया है 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/2, और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 6.80। आप पॉज करके सॉल्व कीजिए, फिर आप सॉल्यूशन देखना। देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। 12/2% को हम लिख सकते हैं 25/2 × 1/100 = 1/8 आ गया, बस ये कन्वर्ट करा है। अब हमें इसमें क्या करना होगा, हर क्वेश्चन में ये करना होगा, जो भी रेट आता है उसमें जो डिनोमिनेटर में आता है, अगर 2 साल के लिए पूछा है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर कितना है, 64। अब जैसे हमने पहले करा था, फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा, 1/8 कर देंगे 64 से, 8 रुपीज़ मिलेगा पहले साल में। दूसरे साल में कितना मिलेगा, एक तो 8 रुपीज़ जो प्रिंसिपल से आया, और इस 8 रुपीज़ का भी कुछ परसेंट मिलेगा, तो 8 को मल्टीप्लाई करा 1/8 से, तो आ गया 1 रुपीज़। तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 881। अब हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है 6.80, ठीक है। और हम अगर यहाँ पे देखें, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट एज्यूम जो हमने 64 से निकाला है वो है 8 + 8 + 1, मतलब 17 गिवन है हमें 6.80। तो यूनिटरी मेथड से अगर हम करें तो 1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, 6.80/17। तो और प्रिंसिपल हमने यहाँ पे कितना एज्यूम करा है, 64, यहाँ पे हमने प्रिंसिपल एज्यूम करा है, हमें निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 64 × 6.80/17। आई होप आपको ये यूनिटरी मेथड पता होगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा 25.6। आई होप आपको समझ में आ गया हो, वरना नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे तो आपका और क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए, सेम है। इसमें प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। तो हम निकालेंगे कैसे, हमें अमाउंट गिवन है, हमेशा इसमें एक चीज़ गिवन होगी आपको और चीज़ आपको निकालनी होगी। तो देखिए कैसे करते हैं, पॉज करके आप अटेम्प्ट कीजिए इसे। हाँ देखिए, प्रोसीजर सेम ही होगा, इसे हमने कन्वर्ट करा, ये आ गया 1/6।
अब 6 का उसका 36, फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला 6 रुपये, सेकेंड ईयर में 6 रुपीज़ ये, और 6 का × 1/6 करा 1 रुपीज़ ये, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इतना हो गया, प्रिंसिपल इतना। अब मैं गिवन है अमाउंट, अमाउंट क्या होता है कि फाइनल जितने रुपये मतलब लाइक 2 साल बाद जितने भी रुपये हो जाएंगे, तो 2 साल बाद कितने रुपये होंगे, 36 प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट ये, तो ये हम सब प्लस कर देंगे, 36 + 6 + 6 + 1 हमें अमाउंट गिवन है 1470, तो इन सबको प्लस करा 49 आ गया। यूनिटरी मेथड से 1 यूनिट में कितना होगा फिर, 1470/49=30, ये आप खुद कट करके भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया ताकि आपका टाइम बचे। तो प्रिंसिपल अब हमें निकालना है, प्रिंसिपल जैसे हमने पहले करा था, हमने कितना एज्यूम करा 36, यूनिटरी मेथड से 1 की वैल्यू आई 30, तो 36 × 30 आ गया 1080 रुपीज़, ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने यहाँ कितना एज्यूम करा, 6 + 6 + 1 जो कि 13, 1 की वैल्यू थी 30, तो 13 × 30 = 390 रुपीज़। आई होप आपको समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप प्लीज़ इसे अटैम्प्ट कीजिए, मैं एक बार आपको डिजिट पढ़ देता हूँ। अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है। अब इसमें जो वैल्यू गिवन है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, तो हमेशा हमें एक चीज़ गिवन होगी जिससे हम यूनिटी मेथड लगा के 1 की वैल्यू निकाल देंगे, फिर उससे हम ये और इसकी वैल्यू निकालेंगे। आप एक बार ट्राई कीजिए पॉज करके, देखिए सिंपल तरीका हमेशा यही रहेगा। अगर आपको रेट गिवन है तो 11 1/9% को लिख सकते हैं 1/9, 9 का स्क्वायर है 81, जो देखिए हमारा प्रिंसिपल है, फर्स्ट ईयर 9, सॉरी फर्स्ट ईयर का कितना हुआ 9, सेकेंड ईयर का 9, और फिर फिर ये 1 यहाँ से 9 का आ गया। तो अब इसमें थोड़ा सा लग क्या था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का दिया है, तो देखिए तो फर्स्ट ईयर का था और ये सेकेंड ईयर में हमारा कितना था 9 + 1 जो कि था 10, तो हमें 10 की वैल्यू दी है 70 रुपीज़, तो यूनिट 1 की निकाल देंगे जो कि आ गया 7। अब वही क्वेश्चन ईजी हो गया, प्रिंसिपल कितना हमने एज्यूम करा 81, तो 81 × 7 आंसर आ गया। अमाउंट कितना होता है टोटल इन सब का, तो 81 + 9 + 9 + 1 जो कि था 100, 100 को 7 से मल्टीप्लाई करा 700 रुपीज़। हाँ ये क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कीजिए, प्रिंसिपल निकालना है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है। अब इसमें अलग चीज़ का दे दी, CI - SI दिया है, अब इससे वही हम यूनिटरी मेथड से निकालेंगे, फिर सब की वैल्यू निकल जाएगा, बस आपको ये डिफरेंट दे दिया जाएगा और इसकी वैल्यू इनकी वैल्यू पूछी जाएगी। तो अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं, वही करेंगे। रेट है 3/20, 15%, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो फर्स्ट ईयर में क्या आया 60, इसे 3/20 से मल्टीप्लाई करा से, ठीक है, सेकंड ईयर में कितना आया 60, इसे भी 3/20 से मल्टीप्लाई करा 400 को। अब 60 कितना इंटरेस्ट देगा, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/20 से जो कि आ गया 9, हम पहले भी यही सेम कर रहे थे, जितना परसेंट हो उसका उतना परसेंट निकलेगा। हमें गिवन है CI - SI, आपको फर्स्ट स्लाइड में याद होगा तो मैंने बताया था जो फर्स्ट जो सबसे ऊपर आता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो उसके नीचे आता रहेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट के एडिशनल कंपोनेंट होते हैं। तो इसमें CI - SI कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऐसा ही हो गया, ये CI SI ये सब मिला के हो गया, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा CI - SI जो कि हमें गिवन है 2.70, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 0.3, तो अब जल्दी से हम कर देंगे, प्रिंसिपल कितना हो गया 400 × 2.3 = 120 रुपीज़, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना था 60 + 60 + 9 × 0.3, 120 × 0.3 = 38.70 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैं बोलता हूँ, आप खुद ट्राई कीजिए पॉज करके, प्रिंसिपल निकालना है, टाइम गिवन है, CI - SI की वैल्यू गिवन है जो कि हमने पहले करा है। इसमें थोड़ा सा लक बस क्या दे दिया, जैसे हमें एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था अभी तक, वही हम फर्स्ट ईयर में लगाते थे, वही सेकंड ईयर में, इसमें फर्स्ट ईयर में अलग दे दिया, सेकंड ईयर में अलग दे दिया, बट क्वेश्चन वैसे ही होगा, आप देखिए। हाँ तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/7, R2 की आ गई 1/9, तो पहले हम क्या करते थे, एक रेट होता था तो उसका स्क्वायर करके वो लेते थे हम प्रिंसिपल, लेकिन इसमें अलग अलग हैं तो हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 709 का एलसीएम लिया 63, तो हमने एज्यूम करा प्रिंसिपल है 63, तो हाँ पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, फर्स्ट ईयर में कितना था 1/7, तो 63 को 1/7 से मल्टीप्लाई करा 9, सेकेंड ईयर का निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है 1/9 से, तो 63 को 1/9 से मल्टीप्लाई करा आया 7,
अब 1/9 सेकेंड ईयर में, तो इसे भी 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे 1/9 से मल्टीप्लाई करें, आगे 1, तो सी आई माइनस एस आई 40 रुपीज़ हमें गिवन है। तो सी आई अब हम डायरेक्ट देख लेंगे सी आई माइनस एस आई कितना था, 1 रुपीज़। तो 1 रुपीज़ हो गया सीधा 40 रुपीज़, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40 रुपीज़। हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल अज्यूम करा 63, 63 इंटू 40, आंसर आ गया 2520। ये आप देख लीजिएगा कि ऊपर वाला सिंपल इंटरेस्ट था और पूरा था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सी आई में से एस आई माइनस करा दो, 1 बचाओ। हाँ, ये आप खुद ट्राई कीजिए, मैं एक बार बताता हूँ आपको। प्रिंसिपल लिखा है 18,000 रुपीज़, रेट लिखा है 16.23%, टाइम है 1 ईयर 73 डेज, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। देखिए क्वेश्चन सेम है, बस इन्होंने टाइम पीरियड को थोड़ा सा अलग दे दिया जिससे आप कन्फ्यूज रहेंगे। आप सॉल्व कीजिए फिर हम आंसर देखते हैं। हाँ देखिए, इसमें रेट है 1/6%, सॉरी 16/23 को कन्वर्ट करेंगे 1/6 आएगा। अब तो आप सीख गए हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36। और ये 1 साल से ज़्यादा है ना, तो हम 2 साल का मान के चलेंगे इसे। तो 36, तो फर्स्ट ईयर में कितना हुआ 6, सेकेंड ईयर में 1/6 से मल्टीप्लाई करा 6 आ गया, यहाँ से 6 को 1/6 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 1। अब हमें पता है कि सेकेंड ईयर पूरा नहीं था, इसमें 73 डेज थे, तो ये पूरा 73 डेज के लिए यूज़ होगा। दिस पर हमने अभी कैलकुलेट करा है 365 डेज के लिए। तो 73 डेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे को 365 से डिवाइड कर देंगे। यूनिटरी मेथड यूज़ कर रहे हैं सिंपली। इन टू में क्या करेंगे, ये आ गया पर डे का, जो ये चीज़ है पर डे का आ गया। हमें 73 डे का निकालना है, तो इन टू 73, तो आ गया 1.4। तो इसकी जगह अब हम 1.4 यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन सेम ही रहेगा, हमें प्रिंसिपल गिवन है 1800, तो 36 हमने एज्यूम करा था, तो 36 से 1800, तो 1 यूनिट कितना हो गया 18,000 डिवाइड बाई 36, 500। हमें निकालने का कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये नीचे वाला पूरा, लेकिन ये 6 प्लस में 1.4 होगा, ये नहीं होगा क्योंकि हमें 73 डेज के लिए वैल्यू चाहिए। तो 6 प्लस 1.4 का हो गया 7.4, इसको मल्टीप्लाई करा 500 से, आंसर आ गया 3700। हाँ ट्राई कीजिए आप खुद, प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, उसमें 73 डेज था, इसमें 6 मंथ है, तो सेम वैसे ही होगा, आप प्लीज़ ट्राई कीजिए। हाँ देखिए, रेट आ गया 3/20, 20 उसका ले लिया 400, 3/20 से मल्टीप्लाई करा 60, इस 3/20 से मल्टीप्लाई करा 9 आ गया। अब हमें ये निकालना है ये हाफ ईयर में कितना होगा, तो देखिए हाफ ईयर मतलब हाँ आधा हो जाएगा उसका, तो 69 डिवाइड बाई 12, क्योंकि 12 महीने होते हैं, हमें कितने महीने को निकलना है, 6 महीनों का, इंटू 6 कर दिया, आंसर आया 34.5, इसकी जगह यूज़ करेंगे 34.5। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमारा, 60 प्लस 34.5, जो कि है 9.45 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 9.45 डिवाइड बाई 94.5, जो कि आ गया 1/10। और प्रिंसिपल निकालना है, हमें प्रिंसिपल एज्यूम करा था 400, 400 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू 1/10, आंसर आ गया 40। इसी तरह इसमें यही था कि ये वाली चीज़ को आपको कैसे यहाँ पे लाना है। हाँ ये आप अटैम्प कीजिए खुद, प्रिंसिपल है निकालना है, टाइम 3 ईयर है, रेट 10% है, और कंपाउंड इंटरेस्ट है 6620। राइटिंग थोड़ी सी अजीब है फ्रेंड्स, पर इसलिए मैं आपके लिए प्रोनाउंस कर रहा हूँ। हाँ टाइम देखिए, अब 3 ईयर हो गया, अभी तक हम 2 ईयर के कर रहे थे, तो हम देखेंगे 3 ईयर के कैसे करते हैं। हाँ कॉन्सेप्ट वही रहेगा, इसमें रेट है 1/10, तो जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में करा था। अब 10 का स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि हमें 3 साल का करना है ना, तो हम क्यूब करेंगे, तो ये हो गया 1000। अब 1000 हो गया, तो पहले साल में 1/10 100, सेकेंड ईयर में क्या हुआ, एक तो 1000 से 100 आ गया, इसका 10% कितना था 10। अब थर्ड ईयर में क्या करेंगे, 1000 से मिल गया 100, ये जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में 100 100 मिले, इससे मिल गया 10 10, और जो सेकेंड ईयर में 10 मिला इससे हमें मिल गया 1, तो टोटल ये बन जाएगा। अब इसे अब इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, अब सीधा आगे से क्या करेंगे, 100 100 100 100 नीचे जो 10 लिखा उसे 2 बार लिख देंगे, फिर इसका परसेंट निकाल देंगे। तो हमें क्या गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम इन सबको प्लस करेंगे क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इन सबका एडिशन आएगा 331 6620, तो ऐसे 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई 20 रुपीज़। तो हमें निकालना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एज्यूम करा था 1000, तो 1000 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू 20, आंसर आ गया 20,000 रुपीज़। अब आप इसे प्लीज़ खुद ट्राई कीजिए, प्रिंसिपल निकालना है, टाइम 3 ईयर, वही 3 साल के लिए करना है, रेट दिया हुआ है आपको, इसमें बस आपको सी आई माइनस एस आई गिवन है, उससे आपको यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे हम पहले करा था वैसे कीजिए, एक बार ट्राई करिए आप पॉज करके।
हाँ देखिए रेट हो गया 3/20। अब 20 का हमें क्यूब लेना है, तो 2 2 4, 4 2 8, 000 आ गए। अब इसे मल्टीप्लाई करना है 3/20 से, तो आ गया 1200। तो अब हमें सेकेंड ईयर का निकालना है, सेकेंड ईयर का कितना होगा, 8 8000 से 1200, 1200 को 3/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। ऐसे थर्ड ईयर में जैसे मैंने बोला वही लिख देंगे 1200, इसे दो बार लिखा, फिर इसे 3/20 से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि है 27। हमें क्या गिवन है, CI - SI। तो हमें पता है SI में ये इंक्लूड होता है और CI पूरा होता है, तो पूरे में से ये सब हटा देंगे तो बचेगा इतना सब, तो ये CI - SI की वैल्यू। तो इसे ये यहाँ पे हमने लिख दिया, इन सबको ऐड कराया 567, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 1701 रुपीज़। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, इसे डिवाइड करा आया 3। तो इजीली अब प्रिंसिपल निकाल देंगे, 8000 × 1 यूनिट की वैल्यू 3, आंसर 24000। हाँ ये आप ट्राई, वन सेकेंड। हाँ अब ये आप 11 क्वेश्चन खुद ट्राई करना, सेम क्वेश्चन है ये वाला, तो एकदम प्रिंसिपल निकालना है। रेट गिवन है आपको 12 1/2 टाइम 3 ईयर, CI - SI की वैल्यू है 12.50 रुपीज़। तो देखिए 1/8 में कन्वर्ट हो गया, 8 3 5 1 2 64 64, इसका यहाँ से 8 आ गया, फिर ये दो बार लिख दिया, फिर इसका इंटू 1/8 करा तो 1 आ गया, CI - SI 12.5 रुपीज़, जो कि इन सॉरी ये हमें गिवन है, और ये हमारे हमने कितने सिम करा था 25, इन सबको प्लस करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1/2, प्रिंसिपल कितना हुआ 512 × 1/2, 256 रुपीज़। सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप एक बार खुद ट्राई करना फिर देखना। अब प्रिंसिपल निकालना है, वही रेट गिवन है, टाइम गिवन है, CI - SI 5.70। वन सेकेंड, सेम हो गया क्या? ओके देखिए सेम एकदम क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस के लिए आपके, आप ये सॉल्यूशन खुद ही देख लेना एक बार। ये थोड़ा सा अलग है, आप एक बार देख लीजिए, प्रिंसिपल ये रहा, टाइम 3 ईयर, रेट वही है, थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है 420 रुपीज़। अगर कंसेप्ट समझ आ गए तो ये भी ईजी, आप खुद ट्राई कीजिए पहले। हाँ तो इसमें क्या है, रेट 1/6 हो गया, 6³ 216 हो गया, ये फर्स्ट ईयर का हो गया, ये सेकेंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का हो गया। तो इसमें हमें गिवन है थर्ड ईयर माइनस सेकेंड ईयर, मतलब इन सब का प्लस माइनस कर देंगे ये सब, उसका वैल्यू गिवन है 420 रुपीज़। तो देखिए 36 6, ये दोनों तो कॉमन ही है, बचेगा 6 + 1, थर्ड ईयर में ये ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, तो यहाँ 7 हो जाएगा, 420 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट कितना हो गया 420/7 60। सिंपली प्रिंसिपल निकाल देंगे, 216 × 1 यूनिट में कितना है 60, 12960। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बस एक बार आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो क्वेश्चन कैसा भी हो जाए आप सॉल्व कर ही देंगे। देखिए जैसे हमने वो सेकेंड 2 ईयर के लिए करा था, अलग अलग इंटरेस्ट रेट थे, इसमें 3 साल के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट दे दिए हैं, सेम है, टाइम 3 ईयर, CI - SI है 5.40 रुपीज़, रेट है 11 1/9%, 14 2/7%, 10%। तो देखिए कन्वर्ट करके 1/9 1/7 1/10 हो गए, 630 को हमें फर्स्ट ईयर के लिए यूज़ करना है 1/9, तो आगे 70, सेकेंड ईयर के लिए 1/7, तो 7 से डिवाइड करेंगे 90 आ जाएगा, इसे भी 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि सेकेंड ईयर में हमें 1/7 यूज़ करना है, तो इसे 7 से डिवाइड कर आ गया 10, थर्ड ईयर के लिए 1/10 यूज़ करेंगे, इसे 10 से डिवाइड कर आया 63, 90 को डिवाइड करा 10 से तो आ गया 9, 70 को डिवाइड करा 10 से तो आ गया 7, 10 को डिवाइड करा 1। इसमें देखिएगा, इसमें देखिए कॉन्सेप्ट आता है, इसमें ये नहीं कि जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि 70 का 10% भी निकालना है, 90 का 10% भी निकालना है, फिर 10 का भी 10% निकालना है, तो ये सब वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमें गिवन है CI - SI, तो हमें पता है SI ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, नीचे वाली CI - SI होती है, तो इन सब का प्लस करके आ गया कितना 27, 10 + 7 + 9 + 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5.40 / 27, क्योंकि CI - SI हमें दिया था 5.40, इसका 1 यूनिट आ गया 0.2 रुपीज़। तो प्रिंसिपल निकालना है 630 × 0.2, 126 रुपीज़। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे, इन सबको क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट तो यही है ना, ये प्रिंसिपल हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, तो CI की वैल्यू ये इन सबको प्लस करके आएगा 250, उससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 यूनिट से, 0.2 से आंसर आ गया 50 रुपीज़। ये आप खुद ट्राई कीजिए, प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, टाइम
टाइम 2 ईयर 73 डेज़। जैसे देखिए हमने पहले करा था ना 1 ईयर 73 डेज़ में 365 से डिवाइड करके 73 से मल्टीप्लाई, सेम ऐसे इसमें होगा, बट इसमें 3rd ईयर के लिए होगा। चलिए देखते हैं। देखिए 1/6 के लिए मैंने टेबल बना दी, 216 36 36, ये बन गया। अब इसने कहा कि 2 साल तक तो सेम सही चल रहा है, 2 साल के बाद 73 डेज़, लेकिन ये अभी हमने निकाला है 365 डेज़ के लिए, तो इसे कन्वर्ट करेंगे 73 डेज़ के लिए। तो सेम वैसे ही करेंगे, इन सबको प्लस करा, आया 49 डिवाइडेड बाई 365। इसमें ये आ गया पर डे का वैल्यू, हमें चाहिए 73 डेज़ का, इंटू में 73, तो ये आ गया 9.8। अब इसकी जगह हम यूज़ करेंगे 9.8, हमें क्या गिवन है, प्रिंसिपल। तो 216 की वैल्यू गिवन है 10,800, तो 1 यूनिट की वैल्यू इसे डिवाइड करा, आ गई 50। हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इन सब का एडिशन। तो 36 + 36 + 6 प्लस में इसकी जगह हम यूज़ करेंगे अब 9.8 + 9.8 इंटू 1 यूनिट में कितना है, 50। तो आंसर आ गया 4390 रुपीज़ ना, 15 आप हमने कर लिया, 16 आप एक बार ट्राई कीजिए। देखिए अब तक हम 1 साल के लिए निकाल लेते, अब ये पूछ रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब पहले क्या होता था कि 1 साल में इंटरेस्ट रेट लगता था, अगर ये कह रहा है 1 साल की जगह 6 महीने में ही इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल हो तो कितना होगा, लेकिन जो ये रेट है ना वो हमें 1 साल का एक दिया है। तो एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर हम करते हैं। हाँ देखिए इसमें 1 ईयर 6 मंथ, तो ये एक तरह से 18 मंथ हो जाएगा। अगर हम 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, मतलब 1.5 साल के अंदर 3 आधे आधे साल आते हैं, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, तो हम इसे 3 मान लेंगे। जैसे हम 3 ईयर्स के लिए करते थे, अब हम 3 हाफ़ ईयर्स के लिए करेंगे। रेट कितना था, 1 साल का गिवन था 20%, अगर हम हाफ ईयर के लिए कर रहे हैं तो इसे भी हाफ़ कर देंगे, तो रेट हो जाएगा 10%। तो सेम वही लग जाएगा, 10% रेट आ गया हमारे पास, और हमारे पास अब हो गए 3 साल, क्योंकि हमने हाफ हाफ के लिए मान लिया है। तो सेम उसी तरह से करते हैं, 10³ बना, अब ये 3 साल के हिसाब से ये आ गया सब। अब हमें क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, तो 1000 की वैल्यू गिवन है 20,000, तो 1 यूनिट हो गया 20। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, इन सबको प्लस करा, 331 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू 20, आंसर आ गया 6620। हाँ प्रिंसिपल 8,000, रेट 20%, टाइम 1 ईयर, सी आई माइनस ऐसे ही निकालना है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। देखिए पहले था साल में 2 बार होगा, अब हो गया इसमें साल में 4 बार होगा, मतलब हर 3 महीने में ये कंपाउंडेड होगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे थे हम। तो देखिए ये इसमें ये 4 टाइम्स हो गया, तो इसमें टाइम कितना ले लिया, 4 क्वार्टर के ले लिया, तो ये रेट हमें 20% साल के गिवन है, तो इसे 4 से डिवाइड करके 5% आ गया, जिसकी वैल्यू 1/20। वैसे 4 तक पहुँचते बहुत कम है, ज़्यादातर 3 तक ही पहुँचते हैं, बट आप एक बार देख लीजिए। अब 8,000 को 4 साल के हिसाब से करेंगे हम, तो ये 400 आ गया, इससे यहाँ 20 आ गया, यहाँ तक तो हम 3 साल के लिए करते ही थे, फोर ईयर के लिए करेंगे, इन तीनों 400 से 20 20 20 आ जाएगा। इन 3 20 से इसको 1/20 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 इनके आ गए, 1 को इंटू 1/20 करेंगे तो 0.05 आ गया, तो ये बन गया 4 साल की टेबल। अब वैसे आता नहीं है, बट आप इसे देख लीजिए एक बार और। तो प्रिंसिपल हमें गिवन है 8,000, हमने एज्यूम करा था 8,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 ही हो गई, सी आई माइनस ऐसा ही निकालना है। तो इन सबको प्लस करा, तो आया 124.05 इंटू 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 1 रुपीज़, तो आंसर आ गया 124.05। आई होप ये पार्ट 1 आपको समझ में आया, पार्ट 2 में हम अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि हम और आगे के भी सारे टॉपिक्स कवर करें, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ये बहुत सारे लोग देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, और इन सब का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।